हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप सबको पता है सीयूटी एग्जाम आपके बहुत करीब है, तो यह है मेरी 3 प्रिपरेशन टिप्स जिससे आप सीयूटी एग्जाम में फिजिक्स डोमेन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। टिप नंबर 1 यह है आपकी कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोग जितना स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, बहुत बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सीयूटी एग्जाम्स की जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज्यादा जेईई नीट लेवल के नहीं आएंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है वो ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल करनी है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है कि आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। हमारी वेबसाइट psychophysics.com पर आपको फॉर्मूला सीट मिलेगी, वहां से आप फॉर्मूला सीट डाउनलोड कीजिए और वहां से अच्छे से फॉर्मूला को स्टडी कीजिए। तीसरी टिप्स, आपको सिलेबस कोशिश करनी कि सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, लेकिन एग्जाम में जैसे कि आपको पता है हर एक क्वेश्चन करने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, साथ ही साथ 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया। तो गेस वर्क करने से पहले ध्यान रखिएगा कि गेस वर्क भी समझदारी से कीजिएगा। हाँ, आप 1 से 2 क्वेश्चंस में गेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आपको अगर 20 क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप 20 के 20 में गेस वर्क चला रहे, वो गलती मत कीजिएगा। इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए।